अखिल विश्व गायत्री परिवार के आह्वान और शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में समूचे विश्व में एक साथ गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के धर्मेंद्र पाटीदार ने बताया कि आचार्य श्री राम शर्मा ने कुछ वर्ष पहले बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम किसी महामारी से जूझ रहे होंगे, हम अपने बचाव के लिए अपने घरों के अंदर ही यज्ञ गायत्री पाठ करके इस महामारी से बच सकते हैं। इसी को लेकर गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज पूरे 100 वर्षों में एक साथ गायत्री शक्तिपीठ और यज्ञ किया गया। इसमें सेगावा नगर के 108 घरों में भी यह यज्ञ किया गया है। सेगावा से संजय जायसवाल के साथ गौरव दसवंती की रिपोर्ट। आज ये ग्रह यज्ञ क्यों किया गया? आज दिनांक 21 मई 2020 को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में पूरे विश्व में लगभग 100 देशों में इसी समय ग्रह गायत्री यज्ञ किया गया, जिसका उद्देश्य वर्तमान में चल रही महामारी के प्रकोप से बचने के लिए और घर की शुद्धिकरण करना है। बहुत समय पहले ही हमारे आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा बताया गया था कि मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का उत्तरण होगा, जिसके लिए हमें गायत्री यज्ञ करना होगा और उसी कारण आज हमने सेगांव में ग्रह गायत्री यज्ञ किया। आज किस उद्देश्य के साथ आपने यह ग्रह यज्ञ किया? अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत पहले कहा था कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा और इसके लिए हमें माँ गायत्री और यज्ञ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ग्रह ग्रह यज्ञ करने की जो श्रृंखला बनाई थी, उसी के निमित्त वर्तमान में आई इस विपदा से लड़ने के लिए और घर को सैनिटाइज करने के लिए, रोगाणु मुक्त करने के लिए यह यज्ञ आज किया गया, जिसके तहत हमने कल कार्य योजना बनाई थी कि हमारी तहसील के अधिकांश घरों में यज्ञ होगा, तो इसी क्रम में आज यह यज्ञ किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।